ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में इम्प्लॉयमेंट से संबंधित क्या विशेष निकल कर आया है। सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर है, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। ये खबर प्रकाशित हुई और इस खबर में क्लियर कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कि जो देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नौकरी की सुरक्षा देने के लिए राजस्व एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब कमेटी का जो गठन किया गया था उसकी जो रिकमेंडेशन है अब उन सिफारिशों को फाइनल किया जाना बाकी है। देखिए वो रिकमेंडेशन दी जाती है कि इस तरह की वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, इतनी वैकेंसीज वहां पे सरकार को क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से यदि देखा जाए तो ये सारी प्रक्रिया रहती है, एकदम से कभी भी कोई सरकार इस तरह का निर्णय बिना सोचे समझे या आंकड़ों का विश्लेषण करके या आर्थिक या कानूनी रूप से उनको बिल्कुल जितना भी डाटा होगा उसका जब तक सही रूपांतरण नहीं होता है तब तक किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा सकती है। तो यहां पे इस खबर में पुष्टि की गई है कि कैबिनेट सब कमेटी के डाटा एनालिसिस और विभागों से चर्चा की प्रक्रिया में शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने पर सहमति बन गई है, तो एक अच्छी खबर है। देखिए जब कोई भी व्यक्ति सरकारी सेक्टर में आता है चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी के माध्यम से ही आता है लेकिन जब वो इस तंत्र के साथ में सरकारी तंत्र के साथ में जुड़ जाता है तो उसकी भी एक इच्छा होती है कि मुझे भी जॉब सिक्योरिटी मिले, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों की किसी भी तरह की कोई भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती थी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा सरकार किस तरह से इन कर्मचारियों को समायोजित करती है, किस तरह की पॉलिसी यहाँ पे फ्रेम करती है, किस तरह की नीतियों का निर्धारण सरकार यहाँ पे करती है। लेकिन यहाँ पे इतना जरूर कहा जा सकता है कि शीघ्र ही इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, इस खबर की हम पुष्टि करें। इसी महीने होगा टाइपिंग टेस्ट। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत सचिव की भर्ती थी 239 पदों के लिए भर्ती थी, तो देखिए पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के द्वारा इसका रिटन टेस्ट कनेक्ट करवाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश तकनीकी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हमीरपुर में इसको ही जिम्मेवारी सौंपी गई है कि जो आगे का टाइपिंग टेस्ट का काम है इसको आपको देखना है। तो इसकी देखिए शीघ्र ही यहाँ पर आज एक खबर प्रकाशित हुई है कि पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग टेस्ट जल्द पूरा करवाया जाए, कोशिश यही है कि इसी महीने टाइपिंग टेस्ट को पूरा किया जाए। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं, यहां पे टेक्निकल बोर्ड की बात की गई है, तो आप थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। टेक्निकल बोर्ड आई थिंक इसको कनेक्ट कर रहा है, तो आप इंतजार कीजिएगा कुछ दिनों का, इसका भी ऊपर भी कोई सहमति बन सकती है। और आपको एक अच्छी खबर से अपडेट करवा दें, पंचायत सचिव के करीब 300 के आसपास नए पद भी आने वाले हैं। कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट आपके सामने होगी। यदि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ईलाइट स्टडी कोरटन वेबसाइट पर जाइएगा, पंचायत सचिव की बहुत ही बेहतरीन बुक वहां पर अवेलेबल है। और आज हम जितने भी हमारे पुलिस कांस्टेबल में अपने अभ्यर्थी यहाँ पे अपीयरेंस देने जा रहे हैं उन सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनका एग्ज़ाम होगा, जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे से रात दिन एक की है आज उन्हें भगवान की भी ब्लेसिंग मिले और अच्छे से उनका पेपर हो जाए, यही हम उन बच्चों के लिए कामना करते हैं। और आपको बता दें आज आप किसी भी सरकारी बस में सफ़र करेंगे बस आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, तो आप निःशुल्क में अपनी यात्रा भी पूरी कर सकते हो। और देखिए पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था पिछली बार उसके ऊपर भी एक बड़ा यहाँ पे खुलासा हुआ है आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में। एक चार्जशीट दायर की गई है, देखिए जब पूरी की पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है SIT के द्वारा, तो ये चार्जशीट तैयार की गई और जिसमें 91 लोगों के खिलाफ यहाँ पे देखिए कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। और क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश में ना आपको लिखित परीक्षा देनी होगी ना आपका कोई साक्षात्कार होगा, बस डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगी 8वीं और 10वीं के अंकों के आधार पर? हाँ जी, तो एक सही खबर है आपके लिए। आपको यहाँ पे बता दें हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में जो कुछ ही दिनों में 3,970 पैरा वर्कर्स की भर्ती होगी उसके लिए हिमाचल प्रदेश में देखिए नो रिटर्न नो इंटरव्यू, डायरेक्ट 8वीं और 10वीं के आधार पर यहाँ पर प्रावधान करने की बात कही गई है। यह भी एक अच्छी प्रक्रिया। देखिए इससे दो तरह के लाभ मिलेंगे, एक तो किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा और दूसरी बात यह प्रक्रिया काफी जल्दी पूरी हो सकती है, क्योंकि देखिए यदि आप रिटर्न में जाते हैं इंटरव्यू में जाते हैं डिफरेंट तरह की आपको फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत सा समय लग जाता है, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी। यहां पर देखिए बहुत बड़ा ग्रुप होता है, 4,000 के आसपास लोग हैं जिनको रोजगार मिल सकता है। तो यहां पर देखिए यदि सरकार इस तरह से करती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम से हो चाहे प्रक्रिया कोई भी हो,
चाहे परसेंटेज बेस्ड हो या रिटन टेस्ट बेस्ड हो, इस तरह की जितनी भी रिक्रूटमेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए हमारी टीम सदैव ही प्रोत्साहन करने का काम करती है। इसी कड़ी में हम आपको अपडेट करवा दें कि हमारी टीम के द्वारा GIT की किताब का तृतीय एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। आप सिंपली यदि प्लस टू पास और आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है और आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप GIT का फॉर्म भर सकते हैं। वर्तमान समय में भी आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे टाइप कीजिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। 200 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इस किताब के साथ में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने अपना करियर बनाया है। तो यहाँ पे आप इस किताब को देख रहे होंगे, बहुत से प्रश्न इसमें जो भी हाल ही में आपका पोस्ट कोड 939 का पेपर हुआ था इसमें प्रश्न पूछे गए थे। बहुत ही बेहतरीन किताब है, अपडेटेड अध्ययन सामग्री के साथ में किताब आप लोगों के लिए हमारी टीम लेकर आई है। अंग्रेजी हिंदी दोनों वर्जन इसके अवेलेबल है और इसके अलावा आप और भी बहुत सी बहुपयोगी किताबों के लिए इलास्टडी कोलोटिन वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।